in this section I will be explaining how net worth helps in reducing adverse selection so net worth is basically that is also called equity capital and it is a difference between a firm's assets and the firm's liabilities it means what the firm owns and, and what the firm owes firm owes, kitna paisa rahi hai? firm own kitna paisa ka rahi hai? in dono ka difference nikalenge. तो आपको एक्विटी कैपिटल पता चल जाएगी या इसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं इसको हम नेटवर्थ भी कहते हैं सोन वेन वी हैव टू डिसाइड दैट वी हैव टू इन्वेस्ट इन अ अटन इन्वेस्ट इन द शेयर्स इशूड बाय अ सर्टन फॉर्म वी लुक एट द वैल्यू ऑफ इट्स नेटवर्थ सो इफ द नेटवर्थ इज लो उसकी अगर वैल्यू बहुत कम है तो इसका मतलब है कि ये इसके पास इतने एसेट्स नहीं हैं कि ये अगर नुकसान हो जाएगा तो उसमें आपको कुछ रीपे करने के काबिल है लिहाजा दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल टू लुक एट कि नेटवर्थ अगर सफिशेंटली हाई है और जो सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है अगर उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उनको कोई कमी बेशी हो जाती है कोई नुकसान हो जाता है कुछ भी तो फिर भी उनके पास इतने एसेट्स हैं कि वो उनको बेच के उनको इस्तेमाल करके आपका नुकसान पूरा कर सकते हैं तो This is an important indicator that when you invest in firm, it, it is an important indicator that we, we need to look at the value of net worth. Because if the net worth is higher, then the probability that you, you will end up in losses by investing in that particular firm becomes very low as compared to a firm whose jis net worth is low. Hai. तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑल्सो हेल्प्स आस इन रिड्यूसिंग द प्रोबिलिटी ऑफ एडवर्स सिलेक्शन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑल्डो इट विल नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड और इस पर्टिकुलर चीज से एक और बहुत मशहूर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम अक्सर देखते हैं कि ये कहा जाता है कि जो फर्म्स ऑलरेडी फाइनेंशली बहुत स्ट्रॉन्ग हों सिर्फ उन्हीं के अंदर उन्हीं को लोन भी मिलता है उन्हीं के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और जो फाइनेंशियली वीक फॉर्म्स होते हैं लोग उसको उनको अवॉइड करते हैं सो द बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट इज दैट द स्मार्ट इन्वेस्टर्स लुक एट द वैल्यूज ऑफ नेटवर्थ एंड देन दे डिसाइड अकॉर्डिंगली